नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करिए। और ये देखिए, ये एलोवेरा है और ये बिट्टू के सर में मैं लगाने जा रही हूँ। बिंदी मेरी पता नहीं कहाँ निकल के गिर गई है। और अभी तो बज रहे हैं दोपहर के, जो है 3 बज रहे हैं, और इनको लगाना है इनके सर में। कल ये बाल धुलेंगी, कल फ्राइडे है, कल बाल धुलेंगी ये। और तो लगा देते हैं, आप लोग भी देख लो मैं इनको कैसे एलोवेरा लगाती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं इनको एलोवेरा लगाने जा रही हूँ। देख लो मैं कितना सारा कपड़ा पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा पहनी हूँ। क्या करूँ, ठंडक बहुत ज़्यादा है। और बिट्टू को अपने बालों की सेवा करवाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पहले इन्होंने, मतलब 2 दिन पहले, जो जोक वाले तेल का रिव्यू किया था मैंने ना, उन्होंने ये तेल लगाया था अपने बालों में, अभी भी लगा हुआ है और मैंने भी लगाया था। और उस तेल की स्मेल थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन तेल अच्छा है। जैसे सरसों का तेल होता है उसी तरह का वो तेल होता है, और बहुत मतलब अच्छा तेल है, हेल्पफुल तेल है। आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा। वैसे मेरी बेटी को अपने बालों की मतलब सेवा करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खुद भी बहुत करती है, मैं भी करती हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही अपने बालों की सेवा करती थी, पर अब तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि थोड़ी बिजी रहती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अपने लिए नहीं टाइम मिलता, सबके लिए टाइम कुछ ना कुछ सबका कर देती हूँ, पर अपने लिए नहीं अब मिलता है। अपना तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, पिछले 4-5 साल से यही हाल है मेरा। और मैं अपना ध्यान नहीं देती, और इस बात का मुझे बहुत दुख भी है, अफसोस भी है। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। अपने बाल बच्चों की खुशी में खुशी है, मेरे बच्चे खुश रहें, उनको कोई तकलीफ़ ना होनी पाए, बस मेरे मन में ये भावना रहती है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड वहाँ पे सोए हुए हैं और वो ऐसे बैठे बैठे ही सो गए थे। उन्होंने खाना खाया और वहीं पे बैठे बैठे ही वो सो गए, क्योंकि वो रात में नहीं सोए थे। और हमारी मच्छरदानी का डंडी जो है टूट गया है, तो मच्छरदानी नहीं लगता है, इस वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। मैं तो मतलब कंबल में मुंह करके अंदर सो जाती हूँ, बिट्टू भी अंदर कर लेती, पर इनके पापा को बहुत ज़्यादा मतलब अस्थमा के वजह से इस समय दिक्कत होती है ठंडक में। उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, 3-4 बार इन्हेलर भी रात में भी यूज़ करते हैं, दिन में भी कई बार यूज़ करते हैं, पर कोई दवा का असर नहीं होता है। और वो बेचारे वैसे कभी कभी रात भर वैसे बैठ के ही गुजार देते हैं, और फास्ट कार्ड या मॉर्टिन जलाओ तो उनको नुकसान करता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं जा रही हूँ गोभी का कोफ्ता बनाने। और बहुत दिनों बाद ये मतलब रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे गोभी का कोफ्ता बनाती हूँ। और मेरे से भी अच्छा शायद आप लोग बनाते होंगे, मैं तो गाँव की हूँ, मुझे नहीं कुछ आता है। जो भी आता है आप लोगों को दिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी लिया था, क्योंकि यादी फैमिली मतलब मेरी देवरानी, मेरे देवर, उनके बच्चे गए हैं अपने ससुराल। देवरानी मेरी अपनी मायके गई हैं और देवर मेरे अपने ससुराल गए हैं, मतलब अपने मायके और बच्चों के साथ गई हैं आज, और अभी आ जाएंगी खाना खा के, क्योंकि उनका मतलब घर यहीं पास में ही है, हमारे जो है घर के 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो उनकी मम्मी ने उनको खाने पे बुलाया था, तो वहाँ गई हैं। तो मैंने कहा चलो गोभी की सब्ज़ी बनाने की जगह पे गोभी का कोफ्ता बना देते हैं। तो गोभी को मैंने घिस लिया है कद्दूकस वाले से, और खूब महीन मतलब हो गया था। और इसमें अब देखिए मैं क्या मिलाती हूँ। अभी तो मैंने मसाला नहीं पीसा, और इसमें आप 2 आलू मिला के डाल दीजिएगा, पर मैंने आलू नहीं मिलाया, मतलब आलू नहीं उबाला था। तो जो दिन वाली सब्जी थी ना, उसमें मैंने जो है आलू उसका जो है बीन लिया था, दिन वाली सब्जी का जो आलू था उसको मैंने बीन लिया था, और बीन के निकाल दिया था गोभी में डालने के लिए, क्योंकि वो भी यूज होता हो जाता, नहीं तो ऐसे फेंका जाता, वो सब्जी कोई खाता नहीं। तो मैंने उसका आलू यूज़ कर लिया, आप आलू उबाल के डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है मसाले में लिया है प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये इतनी चीज़ें ली है मैंने। इसको पीसा, वही पेस्ट मैंने गोभी में डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, ज़रा सा नमक मैंने डाला है स्वादानुसार। और इस आलू को अब मैं काफ़ी अच्छे से मीज लूँगी, मतलब फोड़ दूँगी, मैश कर दूँगी बिल्कुल भरते की तरह। और इसमें डालेंगे हम लोग बेसन, और बेसन को मैंने पहले ही चाल के रख दिया था पन्नी में करके, क्योंकि जो है जब काम करो चालने लगो ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कुछ देर पहले इसको चाल लिया था पहले, और तब गोभी का काम मैं सूट कर रही हूँ। और
इसको काफ़ी अच्छे से बेसन में मिला देना है गोभी को, और आलू के वजह से ये जो है आपस में चिपके रहेंगे गोभी, इसलिए हमने इसमें आलू मिलाया है। और हाथ में मैंने लगाया है पानी, और दोनों हाथों में आपको पानी लगाना और ऐसे गोल गोल जो है गोलियां बना लेनी है, क्या कहते हैं कोफ्ते की गोलियां बना लेनी है। और ज़्यादा लोग हैं नहीं तो 8-10 मतलब पीस हो जाए, उतने में भी हो जाएगा, लेकिन 3 या 4 पीस बच भी गया था, दो दो तीन तीन चार चार पीस जिसका जो मन हुआ सबने खाया था खाने में, और बहुत 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 अच्छी बनी थी। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा और बना के मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में अगर कोई कमी रहती हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को और हमको इतना सपोर्ट करिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें अपने बाल बच्चों के लिए। और कढ़ाई को मैंने पहले ही रख दिया था तो मीडियम आँच मैंने कर दिया है, अब पहले तेज़ था, और एक एक करके सारी मतलब गोलियाँ इसमें डाल देंगे गोभी वाली, पूरी नहीं डालेंगे, आधा ही मैंने डाला है और आधा अभी बाकी है, उसकी भी गोलियाँ बनानी है। और तुरंत मैं इसको नहीं मतलब पलट रही हूँ, 2 मिनट बाद इसको पलट रही हूँ, और गैस मेरा मीडियम आँच पे है, एकदम तेज़ आँच पे नहीं है, क्योंकि गोभी को पकना भी तो है, इसलिए मैंने आँच तेज़ नहीं किया है। और इसमें आप हींग भी मिला सकते हो, मतलब जब आप सानते हो, पर मैंने नहीं मिलाया, मुझे मिला नहीं और इसलिए मैंने नहीं मिलाया। और हमारे घर में तेज पत्ता भी इस समय नहीं है, तो मैंने इसकी सब्ज़ी में तेज पत्ता भी नहीं डाला था। वैसे तेज पत्ता इसमें डाला जाता है और बहुत अच्छा बनता है गोभी का जो है कोफ्ता, कोफ्ते वाली सब्ज़ी। और देख लीजिए हमारा कोफ्ता बनके हो गया है तैयार। अब दूसरा वाला घान भी मैं इसमें इसी तरह से डालूंगी और बना लूंगी। गोलियां मैंने पहले ही बना के रख ली थी, और दूसरे तरफ हो रही है हमारा चावल हो रहा है भगोने में, और ये देखिए मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ कितना मतलब स्पाइसी मतलब बना है, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत अच्छा ये खाने में। वैसे भी आप लोग इसको खा सकते हो, तो तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने और तेल निकाल दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, मेरी आदत है कम से कम तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने आज शॉर्टकट मारा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गया था, 7:30 बज गया था, और 8:15 बजे तक मेरे घर में रोटी बनने लगती है, पापा मेरे खाना खाते हैं उसी टाइम, नहीं तो वो थोड़ा गुस्सा करते हैं, बिल्कुल बच्चे की जैसे वो मतलब रहते हैं, तो उनका मतलब बहुत ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को, आगे पीछे कुछ ना होने पाए कि हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा भी खाने में देर नहीं करती हूँ, बिल्कुल टाइम पे उनको खाना मिल जाता है रोज़ के रोज़। और यहाँ पे बिट्टू भी आ गई है, तो हमारा मसाला जो है भुना रहा है, प्याज मैंने देखिए प्याज में टमाटर डाल के मतलब भुना था, उसके बाद उसमें मैंने मसाला डाला है, और मसाला हमारा भुना रहा है, कम से कम 10 मिनट तो मसाला भुनने में लग ही जाता है। दूसरी तरफ मेरा चावल हो रहा है और मैं आटा गूँथ रही हूँ, और आटा भी गूँथ के मैं रख लूँगी, तब तक 10-15 मिनट में सब्ज़ी भी हमारी बन के हो जाएगी तैयार। तो मैंने कहा बेटा तुम मसाला से जल्दी से भूनो और मैं तब तक आटा गूँथ लेती हूँ, नहीं तो और देर हो जाएगा। और इनकी चाची वाची भी नहीं थी, तो थोड़ा जो है नीचे का भी देखना होता है, और नीचे से मैं देर में आती हूँ, क्योंकि जो है गाय का पूरा काम जो है करना होता है ना, तो इस वजह से मैं पूरा सब निपटा उपटा के तब ऊपर किचन में आती हूँ, और तो कोई करता नहीं है कुछ, मैं ही अकेले करती हूँ। अब तो थोड़ा बहुत हस्बैंड भी मेरे करवाते हैं। ये देखिए मेरा मसाला गया है भुना, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार, जैसे जितना मतलब मेरे परिवार में चाहिए, और आप भी स्वादानुसार ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया मसाले में। अभी मैं इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, गोभी का जो है वो नहीं डालना था हमें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, तो उबाल आ गया है तो इसमें हम लोग गोभी का कोफ्ता डाल देते हैं, और इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको खौलाएँगे, ऐसे खुले ही 10 मिनट तक इसको खुलाना है। और ये देखिए हमारा गोभी का कोफ्ता 10 मिनट के बाद बनके हो गया तैयार। मैंने सारे गोभोरे में एक एक छेद कर दिया था, आप वैसे भी बना दे सकते हो, मैं छेद इसलिए करती हूँ कि बीच तक मतलब रस चला जाए, वैसे भी चला जाता है पर मैं कर देती हूँ, मुझे और अच्छा लगता है। और ये है मेरा खाना, आज मैं रोटी नहीं ले रही हूँ, इतना ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत आज ख़राब हो गई फिर से। कल की वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो है मेरी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और जल्दी से मुझे आके जो है बिस्तर में सोना पड़ा, ऐसे जैसे दांत किटकिटा रही थी मैं, और खड़खड़ खड़खड़ मेरी मतलब
हाथ वाथ हो रहे थे तो मैं जल्दी से आके बिस्तर में घुस गई और मैंने वीडियो का एंड नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो प्लीज़ हमारे फुल देखा करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए आपका प्यार चाहिए, दुलार चाहिए और आप लोगों का जो है आशीर्वाद चाहिए आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। थोड़ी सी भी वीडियो मेरी हेल्पफुल आप लोगों को लगती हो, अच्छा लगता हो, तो हमें सपोर्ट करिए और हमें आगे ले जाएं। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मैंने बहुत दिनों बाद ये रेसिपी बनाई है, आप लोग बताना कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो मतलब वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बिट्टू अपने पापा के साथ कहीं से आ रही हैं, कुछ लेके बल्ब वल्ब लेके आ रही हैं सर, ये बल्ब है ना, ये बल्ब वल्ब लेके आ रही हैं, दो एक बल्ब फ्यूज हो गए हैं घर के तो लेके आ रही हैं। ये कौन सा बल्ब है, किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी मेरी लंबी, और नहीं बिट्टू दूसरी वीडियो में दिखा देंगे, और मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी, और वीडियो में अगर कोई कमी हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन चल रही है तो अच्छी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए आप लोग माफ़ करना और दिल से मुझे सपोर्ट करना, अपना प्यार देना। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।